हाय फ्रेंड्स, मिठू मिथ्या का चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ। देखिए, गणपति जी आए हैं, देखते देखते 11 दिन हो गया है। अब उनका जाने का भी तैयारी हो चुका है। हम लोगों का मन बहुत भारी हो रहा है जो आज उन्होंने जाएंगे, पूरा साल भर के बाद फिर से उन्होंने आएंगे। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था जो गणपति जी का विसर्जन आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मेम नगर गांव में जो ये गणपति जी का विसर्जन बहुत ही अनोखी तरीके से ही होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए आप सबको ये दृश्य दिखाना चाहती हूँ। अब गणपति जी का उतारने का तैयारी हो चुका है। आप देखिए, इनको धीरे धीरे लेके जाएंगे और इनको जिधर विसर्जन करता है उधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आइए, टंकी के अंदर बहुत अच्छे से सजावट किया है हम सब ने मिल के। इसका जो सजावट देख रहा है, इसके अंदर गणपति जी का विसर्जन होता है। ये हमारा परिवेश दूषण से बहुत ही अच्छी बात है, जैसे नदी को पानी खराब ना होए और पूरा परिवेश को दूषण से बचाता है। इसके अंदर गणपति जी को धीरे धीरे उसके अंदर दे देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद ही ये सब चालू हो जाएगा। गणपति जी को उतार के उसके अंदर थोड़ा प्रदक्षिण कराएंगे चारों तरफ, करने के बाद ही उनको विसर्जन होएगा, तब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट टेलीकास्ट में दिखाएंगे। अब देखिए कितने सारे लोग सब इकट्ठा हो गया गणपति जी को विसर्जन देने से पहले। ये लास्ट आरती हो रहा है, सब भक्ति सहकर आरती कर रहे हैं। आप लोग भी आरती कीजिए गणपति जी को। एकदम डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रही हूँ मैं, आप लोग इसके साथ साथ ही इसका अब विसर्जन भी देख पाएंगे। जानता, मेम नगर गांव में, मेम नगर गांव में खुशी भी पधारी,
गणपति बप्पा अभी हम लोगों के पास से जा चुका है, लेकिन इतना आशीर्वाद हम सब के पास है जे सब भक्तों जनों के पास ही गणपति बप्पा पूरा साल विराजमान रहेगा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।